सर को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के नाम पर उगाही बंद करो, बंद करो। डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में कटोरा लेकर मुरादाबाद की सड़कों पर भीख मांगते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम पदार्थों के तेजी से बढ़ रहे दामों के विरोध में अब राजनीतिक दलों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ राज्यों में तो पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच गया है, जिसके विरोध में आज मुरादाबाद के बाजारों में भी शिवसेना का अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। दर्जनों शिवसेना कार्यकर्ता अपने हाथों में खाली कटोरा लेकर बाजार में निकल पड़े। ये लोग केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे और इन्होंने अपने गले में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लटकाई हुई थी। ये कार्यकर्ता दुकानों से भीख मांगकर केंद्र की मोदी सरकार पर लानत भेजने का काम कर रहे थे। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने इस ओर जानकारी देते हुए बताया कि वो लोग भीख मांगकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजने वाले हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने देश की जनता को भीख मांगने को मजबूर कर दिया है। मैं वीरेंद्र अरोड़ा शिवसेना का यहाँ जिला प्रमुख हूँ और मेरे साथ सभी शिवसेना के पदाधिकारीगण। आज जिस तरह से देश की आप स्थिति देख रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं। पिछले 3 महीनों से किसान सड़कों पर बैठा हुआ, छात्र आज जगह जगह, आज रोगी से लेकर छात्र और हर आदमी महंगाई को लेकर त्रस्त है। लेकिन ये बैरी उंगी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। भले वो किसान हो, भले वो हमारे छात्र हों, भले वो गरीब आदमी हो, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर आदमी आज भीख मांगने को तैयार है, तो शिवसेना आज सड़कों पर भीख मांग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कोष में पैसा जमा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पैसों की अति आवश्यकता है। इसलिए देश के लिए हम सब लोगों को जिस तरह से बिल्कुल भिखारी बना दिया है इस देश को, उसी को लेकर के शिवसेना आज सड़कों पर उतर कर भीख मांग करके प्रदर्शन कर रही है। जय भवानी जय। क्या मारते हैं पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल और डीजल के दामों पर शिवसेना ने आज पिछले गैस पे सभी चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं। हर चीज़ पर रेट बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो बहुत ही खराब बयान है। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकारों की जिम्मेवारी थी, इसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 6 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस देश में बैठे हुए हैं और पेट्रोल डीजल के दामों के अलावा महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। किसान खत्म हो रहे हैं और किसान जिस तरह से मर रहा, शिवसेना किसानों के लिए भी आंदोलन में लगातार बनी हुई है और पेट्रोल डीजल को लेकर के पीछे मुंबई में पूरे बंद रहा है। इसी को लेकर के शिवसेना के राष्ट्रीय कितना असर पड़ा होगा? पब्लिक तो परेशान है, देख रहे हो आप कि हम लोगों के हाथ में कटोरा, ये कटोरा जो है प्रत्यात्मक रूप से हर आदमी के हाथ में इस तरह की स्थिति है। आज स्कूलों में आप चले जाओगे तो हर आदमी ये कह रहा है कि मेरी किस तरह से फीस माफ होगी या मेरे बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे। डॉक्टरों के जाओ तो वहाँ पर भी ये स्थिति कि हम किस तरह से दवाइयाँ करेंगे। लाचार हो चुकी है, पूरा देश बर्बाद हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसी को लेकर शिवसेना माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती है कि इस देश की जनता की त्राही त्राही को सुनो और इसमें महंगाई को कम करो। जय भवानी।